बात है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में आपको टेंस में एक्टिव वॉइस में हम आप इसमें फॉर्मूला जो होगा पैसिव वॉइस के लिए वही होगा, वो आप होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, ही वैन टू मार्केट, ही वैन टू मार्केट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मार्केट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ही जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका मार्केट, मार्केट आपका सिंगुलर आएगा, तो मार्केट वॉज गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गॉन। तो मार्केट वॉज गॉन वाई हिम, मार्केट वॉज गॉन वाई हिम। अब इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही एक ही रूल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप इसमें देखेंगे क्या होगा आपका, जैसे इसी सेंटेंस को मैं ले लेता हूँ, ही वेंट टू मार्केट का नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट, ही डिडंट गो टू मार्केट। तो इसका क्या हो जाएगा, मार्केट वाजंट या मार्केट वाज नॉट गॉन बाय हिम, मार्केट वाज नॉट गॉन बाय हिम। अब इंटरोगेटिव में जाते हैं तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस क्या होगा, डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू मार्केट का, तो सिंपल है आपका, इसमें आपका वॉज मार्केट गॉन बाय हिम, वॉज मार्केट गॉन बाय हिम, सिंपल है वॉज मार्केट गॉन बाय हिम। इसी के साथ आपका ये सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। आपका आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसके आपकी पैसिव वॉइस के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी वॉज वर ही होंगी, क्या होंगी वॉज वर्ब। तो इसमें कोई सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे हमने प्रीवियस में जो पास्ट सिंपल सेंटेंस में लिया था वही ले लेते हैं, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इसका आपका पैसिव वॉइस में किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो इसमें जैसे क्या होगा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, तो इसका क्या हो जाएगा, मार्केट वॉज बीइंग गॉन बाय हिम, मार्केट वॉज बीइंग गॉन बाय हिम। अब इसके बाद हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वही ऑब्वियसली आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। जैसे क्या हो जाएगा, मार्केट, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसका बनाते हैं, जैसे यही हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो इसका क्या होगा आपका हो जाएगा, मार्केट सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आएगा, मार्केट वॉज नॉट, मार्केट वॉज नॉट बीइंग गॉन बाय हिम, मार्केट वॉज नॉट बीइंग गॉन बाय हिम। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा, जैसे कि इसका हो जाएगा आपका वॉज सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका हो जाएगा वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, तो इसका क्या होगा आपका, मार्केट बीइंग गॉन बाय हिम, वॉज मार्केट बीइंग गॉन बाय हिम, वॉज मार्केट बीइंग गॉन बाय हिम। तो इसी के साथ आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। अब आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जी हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैड बीन, क्या होगी हैड बीन। तो हैड बीन आपको पता है किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो इसका पहले हम सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला लेते हैं, इसका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो इसमें हम जैसे सेंटेंस बनाए जो जैसे हमने प्रीवियस कंटिन्यूअस में लिया था वही हम इसमें ले लेते हैं, क्या होगा आपका ये, इसमें आपका आएगा सिंपल सा हम जैसे लेंगे, जैसे ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट, तो इसका क्या होगा, मार्केट हैड बीन गॉन बाय हिम, मार्केट हैड बीन गॉन बाय हिम, मार्केट हैड बीन गॉन बाय हिम। अब इसमें नेगेटिव आएगा किस तरीके से आएगा, नेगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं, सॉरी फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें ले लेते हैं ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। जैसे क्या हो जाएगा, मार्केट हैड नॉट बीन गॉन बाय हिम। अब इंटरोगेटिव पे आते हैं तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही गॉन टू मार्केट। तो इसका पैसिव क्या होगा, हैड मार्केट बीन गॉन बाय हिम। तो इसी के साथ आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी फिनिश होता है।